हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों आज पहला T20 मुकाबला खेले जाने वाला है वेस्ट इंडीज वुमन्स और ऑस्ट्रेलिया वुमन्स के बीच में, और ये जो मुकाबला है दोस्तों नॉर्थ सिडनी ओवल के मैदान पर खेला जाने वाला है। साथ ही में अगर यहाँ पर बात की जाए तो संडे के दिन आपको जो है लगभग 7 बजे मुकाबला आपको शुरू होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर जो है दोस्तों वीडियो काफी लंबे होने वाली है, तो वीडियो आप अगर पूरी देखोगे तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा किस तरीके से आपको जो है दोस्तों टीम बनाने चाहिए, और साथ ही में जो है दोस्तों कौन से प्लेयर्स आपको अपनी टीम में शामिल करने चाहिए। मैं यहां पर आपको पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, साथ ही में जो है दोस्तों प्लेयर्स स्टेट्स दिखाने वाला हूं, और साथ ही में अपनी फैंटेसी 11 भी टीम आपको बताऊंगा जिससे आप जो है अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। और इससे पहले एक और बात आपको बताता चलूं, अगर आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जो है दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको जो है टॉस के बाद बनी बनाई टीम मिल जाती है, और साथ ही में जो है दोस्तों आप वहां पर आपको अपडेट दी जाती है कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, कौन से प्लेयर्स इंजर्ड है, काफी ज्यादा जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है। तो जाकर ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। फिलहाल अगर वेदर रिपोर्ट की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो है बारिश आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, और टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 34 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो है टेम्परेचर देखने को मिलेगा, और साथ ही में 24% ह्यूमिडिटी आपको देखने को मिल सकती है। 20 ओवर का यहाँ आपको जो है पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा, और साथ ही में अगर हवा की बात की जाए तो 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मतलब शुरुआत में आपको जो है दोस्तों यहाँ पर बाउंस देखने को मिल सकती है। पिच की अगर बात की जाए तो बैटिंग फ्रेंडली ये पिच है, और काफी रन यहाँ पर जो है दोस्तों बल्लेबाजों के द्वारा बनाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो आपको जो है 150 से ऊपर रन बनाते हुए नजर आ सकती है। फिलहाल यहाँ पर जो है दोस्तों इस मैदान पर एक ही मुकाबला खेला गया है, तो उसके बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर बात कर लेते हैं पेस वर्सेस स्पिनर्स 10 जो मुकाबले खेले गए, पिछले 10 मुकाबले जो कि डोमेस्टिक T20 मैचेस रहे थे, तो उसमें अगर बात की जाए दोस्तों तो 62 विकेट्स यहाँ पर जो है पेसर्स को मिलती है, मतलब 56% विकेट्स यहाँ पर जो है पेसर्स को मिलती है। साथ ही में स्पिनर्स को जो है दोस्तों आप देख पा रहे हो 44% यहाँ पर जो है स्पिनर्स को विकेट्स मिलती है। अगर ओवरऑल देखा जाए हेड टू हेड मुकाबलों के पिछले 10 मुकाबलों में, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी नजर आ रही है, आगे नजर आ रही है, वही वेस्ट इंडीज वुमन्स की टीम मात्र एक ही मुकाबला जीत पाया था। फॉर्म आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों ही टीमों का T20 मैचेस में। ऑस्ट्रेलिया की वुमन्स की जो टीम है अपने पिछले 5 में से 3 मुकाबले जीती है, 2 हारी है। वही वेस्ट इंडीज वुमन्स की टीम जो है दोस्तों काफी बढ़िया फॉर्म में चल रही है, पिछले 5 के 5 मुकाबले जीत करके आई है। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं साथ ही में जब दोनों ही टीमें यहाँ पर आपस में भिड़ी थी तो क्या घटा था, तो दोस्तों आप देख सकते हो वेस्ट इंडीज की टीम यहाँ पर जो है ऑल आउट हो चुकी है। वेस्ट इंडीज की टीम यहाँ पर ऑल आउट हो चुकी है, यहाँ पर भी जो है लगभग 106 पे 8 विकेट्स हैं। मतलब यहाँ पर ओवरऑल अगर दोस्तों मैं बताऊँ तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है दोस्तों आपको जो है 8 से 9 विकेट्स यहाँ पर जो है शायद गवाते हुए नजर आए, माफ कीजिएगा, वेस्ट इंडीज की टीम जो है दोस्तों आपको 8 से 9 विकेट्स गवाते हुए नजर आए, वही ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको जो है 3 से 4 विकेट्स यहाँ पर जो है गवाते हुए नजर आ सकती है। यहाँ पर मिस्टेक हुई है आपको मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है 3 से 4 विकेट्स आपको गवाते हुए नजर आएंगी, वेस्ट इंडीज की टीम जो है दोस्तों 8 से 9 विकेट्स गवाते हुए नजर आ सकती है। अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले गेंदबाजी करती है दोस्तों तो 4 विकेट जो है पेसर्स निकालते, पिछले 5 मुकाबलों के अगर रिकॉर्ड देखें स्पिनर्स जो है 5 विकेट्स निकालते, वही अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले बाद में गेंदबाजी करती है टारगेट को डिफेंड करती है तो पेसर्स को जो है 3 विकेट्स मिलती है, स्पिनर्स को जो है 3 विकेट्स मिलती है। भाई ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर पहले गेंदबाजी करती है तो दोस्तों पिछले 5 मुकाबलों में जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 9 विकेट्स पेसर्स ने निकाले, वही स्पिनर्स ने जो है दोस्तों 12 विकेट्स निकाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया सेकंड गेंदबाजी अगर करती है टारगेट को डिफेंड करती है तो दोस्तों पेसर्स को जो है 6 विकेट्स मिली है पिछले 5 मुकाबलों में, वही स्पिनर्स की टीम को जो है दोस्तों यहां पर 5 विकेट्स मिले। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप जो इस हिसाब से अपनी टीम बना सकते हो, इस पैटर्न के हिसाब से आप जो है दोस्तों अपनी टीम बना सकते हो। वेस्ट इंडीज वुमन्स की टीम अगर पहले गेंदबाजी करती है तो आप जो है लगभग एक स्पिनर एक पेसर के साथ जा सकते हो, और साथ ही में अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले गेंदबाजी करती है तो आप जो है दोस्तों पेसर्स यहां पर एक ले सकते हो, स्पिनर्स ऑलराउंडर्स के तौर पे यहां पर जो है 2 गेंदबाज उतार सकते हो स्पिनर्स में, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम जो है दोस्तों ऑल आउट आपको होते हुए नजर आ सकती है, तो यहाँ पर एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके पास। अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की, तो ऑस्ट्रेलिया वुमन्स की प्लेइंग 11 की ओर से अलेशिया हेली और बैट मुनी आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, साथ ही में अलेशिया हेली जो है दोस्तों कप्तानी कर रही है। तीसरे स्थान पर आपको जो है मेघराज नजर आ सकती है, चौथे स्थान पर इलाइशा पेरी, पांचवें स्थान पर अलेशिया गैडनर, छठे स्थान पर किम ग्रांत, सातवें स्थान पर एनेबल सुदरलैंड, 8वें स्थान पर एलेना किंग, 9वें स्थान पर मेगन स्कट, 10वें स्थान पर जेस जॉनसन और 11वें स्थान पर आपको जो है डार्सी ब्राउन नजर आ सकती है। ये रहेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमन्स की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज वुमन्स की प्लेइंग 11 की, तो रशाडा विलियम्स आपको जो है दोस्तों ओपन करते हुए नजर आएंगे ब्रिंटी के साथ में। तीसरे स्थान पर आपको जो है मिडल ऑर्डर में आपको नजर आएंगे
और यहाँ पर जो है दोस्तों मिडल ऑर्डर में शेमानी नज़र आ सकती है, वहीं हली मैथ्यूस आपको कप्तानी करते हुए नज़र आएंगी और एफ ए फ्लैचर आपको जो है दोस्तों नज़र आएंगी पांचवें स्थान पर मिडल ऑर्डर में। वहीं शकीबा गजनबी यहाँ पर जो दोस्तों आपको गेंदबाजी करते हुए और बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ सकती है। शमीला कैम्बल आपको जो है गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ सकती है। वहीं गेंदबाजों की बात की जाए तो सनीता कश्मीर, करिश्मा रामचरण और साथ में जो दोस्तों काइशिया और शनिका के आज जो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लेयर स्टेट्स की, तो यहाँ पर अगर दोस्तों देखा जाए तो ओवरऑल अभी तक रशाडा विलियम्स ने जो है दोस्तों 20 मुकाबले खेले हैं जहाँ पर 192 रन बनाए, औसत जो है 11 का रहता है। भाई पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 मुकाबले मात्र 84 रन और 10 का औसत रहता है। वही अगर चेस करते हुए देखें तो 9 मुकाबले में 108 रन, औसत जो है दोस्तों 12 का रहता है। तो ऐसे में यहाँ पर मुझे लगता है कि इनको ना ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है 20 से ज़्यादा रन बनाएंगे या फिर 15 से ज़्यादा रन बनाएंगे। रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो, 16 रन, 2 रन, 30 रन, 17 रन, 2 रन नाबाद। ओवरऑल दोस्तों मुझे लगता है कि ये प्लेयर आज जो है फ्लॉप होने वाले हैं। फिलहाल अब चलते हैं और बात कर लेते हैं अगले खिलाड़ी की, तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको नजर आएंगे ब्रिंटी कूपर जो कि 9 मुकाबले खेल चुके हैं, 123 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, औसत जो है दोस्तों 15 का रहता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 17 का औसत, वही चेस करते हुए 12 का औसत। अगर फॉर्म की बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो दोस्तों आप देख सकते हो 3 रन नाबाद, 2 रन, 4 रन, 39, 29। तो ओवरऑल मैं आपको यहाँ पर कहूंगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले गेंदबाजी करती तो आप जो है दोस्तों ब्रिंटी कूपर के साथ जा सकते हो, वरना ये जो है रिस्की ऑप्शन रहेंगे। आप जो है फॉर्म भी देख सकते हो इनका रिसेंट T20 इंटरनेशनल मैचेस में। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर और बात कर लेते हैं अगले खिलाड़ी की, तो यहाँ पर जो दोस्तों नाम निकल कर आता है शेमानी कैम्बल, इनकी अगर बात की जाए तो 8 मुकाबले में जो है दोस्तों 86 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, औसत जो है 17 का रहता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 29 का इनका औसत है, वही चेस करते हुए 9 का। तो यहाँ पर मैं दोस्तों यही कहूंगा कि अगर वेस्टइंडीज वुमेन्स की टीम जो है पहले बैटिंग करती तो आप जो है शेमानी कैम्बल के साथ जा सकते हो, लिख करके रख लीजिए दोस्तों यहाँ पर, आप जो है इनके साथ जा सकते हो, अपनी एक बुक बना लीजिए, वहां पर आप जो है शिमाना कैम्बेल अगर फर्स्ट बैटिंग आती है वेस्ट इंडीज के तो इनको आप जो है अपनी टीम में रखिए। तो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्म, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है दोस्तों आप इनका फॉर्म देख सकते हो, 1 रन नाबाद, 15 रन, 24 रन, 34 रन, 7 रन। वही इंटरनेशनल T20 मैचेस की भी आप जो है दोस्तों फॉर्म देख सकते हो, 34 रन, 30 रन, 8 रन, 22 रन, 14 रन। अब चलते हैं यहां पर और बात कर लेते हैं अगले खिलाड़ी की, तो यहां पर जो है दोस्तों नाम निकल कर आता है कप्तान हेली मैथ्यूज का, इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 मुकाबले खेले जहां पर 6 विकेट्स इनके नाम है और साथ ही में जो है दोस्तों 100 रन बनाए हैं। पहले गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए 4 मुकाबलों में 27 रन, वही पहले गेंदबाजी करते हुए 3 मुकाबले में 2 विकेट्स इनके नाम है। वही सेकेंड इनिंग की बात की जाए तो 3 मुकाबलों में 73 रन बनाए हैं। वही अगर बाद में अगर गेंदबाजी करते तो 4 मुकाबले में 4 विकेट। तो ओवरऑल दोस्तों इससे मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर जो है वेस्ट इंडीज की टीम से अगर किसी प्लेयर को लेना है तो हेली मैथ्यूज को आपको जो है दोस्तों लेना ही चाहिए, क्योंकि कैप्टन भी है और साथ ही में जो है इनके आंकड़े काफी बढ़िया नजर आते हैं बाकी अदर प्लेयर से। रिसेंट फॉर्म जो है दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर 1 विकेट निकाला, 1 विकेट निकाला, 1 विकेट निकाला, पिछले मुकाबले में कोई विकेट नहीं मिले थे लेकिन 18 रन बनाए थे। यहाँ पर जो दोस्तों आप इंटरनेशनल T20 मैचेस में भी देख सकते हो पूरे पिछले 5 मुकाबलों में 5 विकेट्स इन्होंने जो है पांचवी दफा यहाँ पर जो है दोस्तों विकेट्स निकाले। तो ऐसे में आप जो है इनको अपनी टीम में शामिल जरूर कीजिएगा, लेकिन कैप्टन वाइज के लिए, कैप्टन के लिए दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं रहेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एफ ए फ्लैचर की, ऑलराउंडर इन्हें कहा जाता है लेकिन दोस्तों इनके बल्लेबाजी के आंकड़े बिल्कुल भी खराब है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं गेंदबाजी की, तो 5 मुकाबलों में 4 विकेट्स इनके नाम है, साथ ही में जो है दोस्तों 2 मुकाबलों में 1 विकेट पहले गेंदबाजी करते हुए, वही बाद में गेंदबाजी करते हुए 3 मुकाबलों में 3 विकेट्स, औसत जो है दोस्तों इनका 17 का रहता है। मतलब अगर यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम अगर दोस्तों यहाँ पर जो है टारगेट को डिफेंड करती है तो आप जो है इनके साथ जा सकते हो, ये एक आधी विकेट आपको जो है हो सकता है निकाल कर दे दे। और साथ ही में आप जो है दोस्तों फॉर्म देख सकते हो, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका फॉर्म है और साथ ही में रिसेंट इंटरनेशनल T20 मैचेस में आप जो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो। अब चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले खिलाड़ी की, तो यहाँ पर जो है दोस्तों नाम निकल कर आता है शबीका गजनबी का, तो इन्होंने जो है दोस्तों इनको भी हम गेंदबाजी कहेंगे क्योंकि इनके भी जो है आंकड़े बल्लेबाजी से उतने कुछ खास है नहीं। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है दोस्तों 3 मुकाबले खेले जहां पर 1 ही विकेट इन्होंने निकाला है, पहले गेंदबाजी करते हुए 2 मुकाबलों में 1 विकेट, भाई बाद में गेंदबाजी करते हुए कोई इनको विकेट नहीं मिली। आप जो है दोस्तों रिसेंट फॉर्म भी देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 रन प्लस 1 विकेट, 11 रन प्लस 0 विकेट, 0 रन प्लस गेंदबाजी करी नहीं है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मैं यहाँ पर कहूंगा आपको, आप चाहो तो इनको ले सकते हो क्योंकि अगर 10-20 रन भी बना लेती और शायद अगर एक आधी विकेट निकाल ले तो यह काम की आ सकती है, वरना यहाँ पर जो है मुश्किल जरूर है। मैं आज जो है कॉम्बिनेशन जो बनाने वाला हूँ वो 7-4 का रहने वाला है दोस्तों, आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है दोस्तों चाहो तो ले सकते हैं, मैं एक आधी अपनी टीम में इनको ले सकता हूँ। अब चलते हैं यहाँ पर और बात कर लेते हैं अगले खिलाड़ी की, तो यहाँ पर नाम निकल कर आता है शमीला कॉनेल, तो इनकी अगर बात की जाए तो 8 मुकाबले में 0 विकेट्स इनके नाम है, तो इनके आंकड़े तो बिल्कुल ही खराब है दोस्तों, तो अगर इनको आप ना ले तो बेहतर रहेगा।
शमीना कॉलवेल, यहाँ पर जो है शमीला कॉनेल को आप जो है दोस्तों ना ले तो काफी बढ़िया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक आधे विकेट भी निकालेंगे और शायद रन भी ना बनाए। और साथ ही में आप बात कर लेते हैं श्वेता ग्रीनमोंट की, तो इनकी अगर बात की जाए तो 3 मुकाबले में 0 विकेट है। साथ ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है दोस्तों इनकी अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 0 विकेट प्लस 15 रन, 0 विकेट प्लस 5 रन, 0 विकेट प्लस 15 रन, तो मुझे लगता है दोस्तों आज यहाँ पर रहने वाला है 5 रन प्लस 0 विकेट। साथ ही में आप जो है रिसेंट T20 फॉर्म देख सकते हो, 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, ओवरऑल यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि इनको ना ले अपनी टीम में। ये भी जो है दोस्तों मुझे रिस्की ऑप्शन नजर आते हैं, ये भी मुझे लगता है कि आज कुछ खास करने वाले हैं। अब साथ में चलते हैं यहाँ पर बात कर लेते कश्मीरा रामचरक, इन्होंने जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 मुकाबला खेला है, विकेट इनको मिले नहीं है। आप जो है इनके फॉर्म की अगर बात की जाए इंटरनेशनल T20 मैचेस, 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, तो यहाँ पर मैं कहूंगा दोस्तों आप इनको अपनी एक टीम में रखिएगा, 50% अपनी टीम में इनको रखिएगा और 50% टीम में अपने ना रखिए। हो सकता है आपको 1 विकेट निकाल के दे या फिर 2 विकेट या फिर कोई भी विकेट ना, मुश्किल है इनका विकेट निकालना, लेकिन आप जो है दोस्तों इनको अपने टीम में रख सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर और बात कर लेते हैं अगले खिलाड़ी की, तो यहाँ पर जो दोस्तों नाम निकल कर आता है कायशा स्कल्ट, इनकी भी जो है 4 मुकाबले इन्होंने खेले इंटरनेशनल मैचेस में जहां पर इनके कोई भी विकेट्स नहीं है, 0 विकेट 0 विकेट, यहाँ पर जो है दोस्तों मैं आज भी इनको अपनी टीम में नहीं रखूंगा। अब चलते हैं यहाँ पर और बात कर लेते हैं अगले खिलाड़ी की, तो दोस्तों यहाँ पर नाम निकल कर आता है शनिका ब्रूसी, इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 मुकाबला खेला है, 1 विकेट इनके नाम है। ऑप्शन की अगर यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से पिछले 5 मुकाबले में 3 विकेट्स हैं, मैं इनको अपनी टीम में नहीं ले रहा हूँ दोस्तों और मैं चाहूंगा कि आप भी ना ले। अब चलते हैं यहाँ पर और बात कर लेते हैं कुछ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स जिसको आपको अपनी टीम में शामिल करने चाहिए। एक होने वाले एफ ए फ्लेचर के बारे में मेरा कहना है दोस्तों 1 विकेट ही आपको निकाल कर देंगे, और साथ ही में हेली मैथ्यूज, इनको भी अपनी टीम में रखना चाहिए, 20 रन प्लस आपको 1 विकेट निकाल कर देंगे। और साथ ही में जो है दोस्तों कैम्पबेल, अगर इनकी बल्लेबाजी आ जाती है तो ये भी आपको जो है 20 रन बना कर देंगे। अब चलते हैं यहाँ पर और बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के प्लेयर्स की, तो यहाँ पर जो है दोस्तों हलेशा हेली जो कि कप्तान भी है, तो इनकी बात की जाए दोस्तों तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है 39 का उनका औसत होता है, चेस करते हुए इनका 72 का औसत होता है। ऐसे में दोस्तों मैं यहाँ पर ये कहूँगा अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम चेस करती है टारगेट को तो ज़्यादा से ज़्यादा 120-130 रन का टारगेट रहेगा। यहाँ पर हलेशा हेली हो सकता है दोस्तों एक बड़ी पारी खेले 50 से भी ज़्यादा रनों की, तो इनको जो है अपनी टीम में ज़रूर शामिल कीजिएगा, और साथ ही में जो है दोस्तों कैप्टन भी बना सकते हो अगर हलेशा हेली यहाँ पर जो है टारगेट को चेस करने उतरती है। साथ ही में आप देख सकते हो 7 मुकाबलों में 243 रन और फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर इस मैदान पे जो है दोस्तों इनके बल्ले से 191 का है, तो ओवरऑल इनको तो अपने आपको टीम में शामिल करना ही चाहिए। आप जो है दोस्तों फॉर्म देख सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पर अगले खिलाड़ी की ओर, तो यहाँ पर जो है दोस्तों नाम निकल कर आता है बैट मुनी का, इन्होंने जो है दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मुकाबले खेले, 42 रन बनाए, 14 का इनका औसत है, चेस करते हुए 18 का, तो यहाँ पर ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपनी टीम में रखना चाहो तो रख सकते हो, ये भी आपको जो है दोस्तों 18-20 रन बनाकर दे सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर जो है दोस्तों मैं यही कहूँगा अपनी टीम में रखिए, आपके सामने स्टेट्स रखे हुए 6 रन 4 रन 8 रन 24 रन नाबाद। साथ ही में जो है दोस्तों यहाँ पर आप रिसेंट फॉर्म देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया फॉर्म नजर आ रहा है। और एक और बात आपको मैं दोस्तों यही कहूँगा कि यहाँ पर जो आप देख सकते हो इस मैदान पर 120 का इनका औसत है अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम चेस करती है, तो यहां पर आप जो है बैट मुनी के साथ भी जा सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, आपको जो है लगभग 20 से 30 रन तक आसानी से जो है बनाकर देंगे। अब चलते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं तालिया मेघरांत की, तो इन्होंने जो है दोस्तों ओवरऑल अपने करियर में जो है 30 मुकाबले खेले T20 मैचेस, जहां पर 15 विकेट्स इनके नाम है, 669 रन बनाए, 51 का इनका औसत होता है। पहले बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए देखिए तो 12 मुकाबले में जो है दोस्तों 319 रन बनाए, वही पहले गेंदबाजी करते हुए 18 मुकाबले में 11 विकेट्स, वही बाद में बल्लेबाजी करते हुए 18 मुकाबले में 350 रन, वही अब यहाँ पर जो है दोस्तों पहले गेंदबाजी करते बाद में गेंदबाजी करते हुए 12 मुकाबलों में 4 विकेट्स, तो ओवरऑल ये भी एक अच्छा ऑप्शन है तालिया मेघरांत, आप जो इनके साथ जा सकते हैं। विकेट्स हो सकता है इनको ना मिले अगर, लेकिन अगर इनकी बल्लेबाजी आती है तो 30 से ज्यादा रन आपको जो है दोस्तों ये बना कर देंगे। आप जो है रिसेंट फॉर्म भी देख सकते हो, 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 40 रन 4 विकेट 4 रन प्लस 1 विकेट 10 रन प्लस गेंदबाजी करी नहीं है, तो दोस्तों ओवरऑल अच्छा ऑप्शन है, आप इनके साथ भी जा सकते हैं। और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले खिलाड़ी की, तो इलाइशा पेरी, इनका जो है दोस्तों इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 13 मुकाबले खेले जहाँ पर 13 विकेट्स इनके नाम है, बल्ले से इनका बल्ला इनका खामोश रहा है वेस्ट इंडीज़ वुमन्स के खिलाफ, लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए गेंदबाजी की तो 7 मुकाबलों में 5 विकेट्स निकाले हैं पहले गेंदबाजी करते हुए, वही यहाँ पर बाद में गेंदबाजी करते हुए टारगेट को डिफेंड करते हुए 6 मुकाबलों में 8 विकेट्स, तो ओवरऑल दोस्तों मैं इनके बारे में यही कहूँगा आप इनको अगर अपनी टीम में रखना चाहते हैं तो अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो आप जो है दोस्तों इलाइशा पेरी के साथ चाहिए, और दुआ करिए वेस्ट इंडीज़ कम से कम
140 रन बनाए, ये तो ये आपको जो है एक या दो विकेट जरूर निकाल कर देंगे। साथ ही में आप जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनके फॉर्म देख सकते हो, 28 रन प्लस 0 विकेट, 3 रन प्लस नाबाद प्लस 2 विकेट, 14 रन प्लस 1 विकेट 0 विकेट और 17 रन प्लस 0 विकेट। तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल मैं यही कहूँगा आप इनको अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। और साथ ही में आप जो इंटरनेशनल T20 मैचेस भी देख सकते हो, आप अब सब किस किस को लोगे दोस्तों, ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क रहता है ना, आप किस किस को लोगे। आठ मैं तो यही कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के आप जो है 7 प्लेयर्स ले सकते हो, 3 गेंदबाज 4 बल्लेबाज, उनमें से भी 2 ऑलराउंडर्स रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो है गार्डनर की बात की जाए, अलेशा गार्डनर की, तो इन्होंने जो है दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मुकाबले खेले जहां पर 3 विकेट्स इनके नाम है, 27 रन बनाए हैं। पहले बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए दोस्तों अगर देखा जाए तो पहले एक मुकाबले में 14 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए, जहां पर 2 मुकाबलों में 1 विकेट इन्होंने निकाली है पहले गेंदबाजी करते हुए। वही अगर चेस की बात की जाए तो यहाँ पर जो है दोस्तों 2 मुकाबलों में 13 रन, वही अगर बाद में गेंदबाजी की बात की जाए तो 1 मुकाबले में 2 विकेट्स। तो यहाँ पर मैं इनके बारे में यही कहूंगा कि अगर एलिशा गार्डनर की टीम मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर जो है दोस्तों बाद में गेंदबाजी करती है मतलब टारगेट को चेस करती है तो आप जो इनके साथ जा सकते हो, ये आपको जो है 2 विकेट्स निकाल कर देंगे ऐसे। यहाँ पर जो है मुझे लगता है दोस्तों एक ना एक विकेट ये जरूर निकालेंगे, तो आप जो है एलिशा गार्डनर के साथ जा सकते हैं। साथ ही में जो है लगभग 3 या 4 विकेट्स गिरने के बाद इनकी बल्लेबाजी आ सकती है। अब चलते दोस्तों, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, और अब चलते दोस्तों यहाँ पर अगले खिलाड़ी की ओर। तो यहाँ पर जो है दोस्तों नाम निकल कर आता है के ग्रांत, ये भी जो है दोस्तों काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। इनकी अगर बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 मुकाबले में 4 विकेट, साथ ही में 142 रन, तो रन तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उस टाइम पर मेरे ख्याल से जो है दोस्तों आयरलैंड के लिए खेला करते थे। अब यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया के खेलते हैं, 3 मुकाबले में 142 रन, साथ ही में जो है दोस्तों पहले गेंदबाजी करते हुए 3 मुकाबले में 4 विकेट्स, रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो, 46 रन प्लस 1 विकेट, 51 रन प्लस 3 विकेट, 45 रन प्लस 0 विकेट वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। और साथ ही में रिसेंट इंटरनेशनल T20 मैचेस का आप फॉर्म देख सकते हो, बैटिंग बहुत कम आती है। तो यहाँ पर यही कहूँगा दोस्तों अगर बैटिंग इनकी आती है तो ये आपको रन तो बना कर देंगे, लेकिन गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो विकेट से आपको एक ना एक निकाल कर जरूर देंगे। अब चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले खिलाड़ी की। तो यहाँ पर जो है दोस्तों नाम निकल कर आता है सुदरलैंड का, इन्होंने जो है दोस्तों 19 मुकाबले खेले जहाँ पर 10 विकेट्स इनके नाम है और साथ ही में जो है 65 रन बनाए हैं। सुदरलैंड अच्छे खिलाड़ी है। ओवरऑल मैं दोस्तों इनके बारे में यही कहूंगा कि इनको अपनी टीम में ना लीजिए, या ना आपको गेंदबाजी में नजर आएंगे विकेट निकालते हुए और ना ही बल्लेबाजी इनके आने वाली है, हालांकि आंकड़े आप जो है दोस्तों देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एलेना किंग की। तो यहाँ पर जो दोस्तों मैं इनको भी अपनी टीम में नहीं रखूंगा, इनकी अगर बात की जाए तो 2 मुकाबलों में 1 विकेट पहले गेंदबाजी करते हुए, 1 मुकाबले में दोस्तों 0 विकेट, वही बाद में गेंदबाजी करते हुए 1 मुकाबले में 1 विकेट। ओवरऑल मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि इनको मैं अपनी टीम में नहीं ले रहा हूँ। आप जो है दोस्तों इनको इनका फॉर्म देखते हुए आप जो है अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। अब चलते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले खिलाड़ी की। तो यहाँ पर जो है दोस्तों नाम निकल कर आता है मेगन स्कट, ये काफ़ी एक अच्छे गेंदबाज हो सकते हैं। पहले गेंदबाजी करते हुए 4 मुकाबले में 7 विकेट्स वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और साथ ही में अगर यहाँ पर सेकेंड इनिंग की बात की जाए तो 2 मुकाबलों में 1 विकेट। ओवरऑल अगर दोस्तों देखा जाए तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपको जो है इनको लेना चाहिए, शायद से आप जो है कैप्टन वाइस कैप्टन भी इनको बना सकते हो। मैंने आपको जो है कुछ समय पहले बताया था कि क्या ऑड्स यहाँ पर रहेंगे, तो आप जो है इनको कैप्टन बॉलर या बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। शायद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की पहले गेंदबाजी आएंगी तो यहाँ पर जो दोस्तों एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए मेगन स्कट का भी। लो स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है, वेस्ट इंडीज की टीम आपको जो है 120-130 रन के अंदर सिमटते हुए नजर आ सकती है। वही जेस जॉनसन यहाँ पर जो है दोस्तों अच्छा ऑप्शन रहेंगे, 6 मुकाबलों में 10 विकेट से पहले गेंदबाजी करते हुए, बाद में गेंदबाजी करते हुए 4 मुकाबलों में 2 विकेट। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है मैं यही कहूँगा अगर पहले गेंदबाजी रहती है ऑस्ट्रेलियन टीम की तो यहाँ पर जो है दोस्तों जेस जॉनसन को आप जो है कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो। और चलिए अब चलते हैं यहाँ पर, और वेन्यू भी आप जो है दोस्तों देखा हुआ, डार्सी ब्राउन, इनको जो है दोस्तों मैं अपनी टीम में नहीं ले रहा हूँ, आप चाहो तो ले सकते हो। डार्सी ब्राउन भी एक अच्छा ऑप्शन जरूर रहेंगे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो कोई मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन आप देख सकते हो सेकेंड इनिंग मतलब अगर टारगेट को डिफेंड करते हुए तो 11 मुकाबलों में 13 विकेट्स इनके नाम है। अब चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पर जो है मैं अपनी टीम बता देता हूँ, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 3 प्लेयर आपके जो है अपनी टीम में रखना चाहिए। एलिशा हेली आपको जो है दोस्तों 40 से ज़्यादा रन बनाते हुए नजर आएंगी, साथ ही में के ग्रांत अगर इनकी बैटिंग आ जाती है तो 20 रन से ज़्यादा रन बनाते हुए नजर आएंगे, और साथ ही में अगर 4 ओवर डालते हैं तो 1 विकेट आपको निकाल कर देंगे। एलिशा गार्डनर ये भी आपको जो है दोस्तों अगर इनकी बल्लेबाजी आती है तो 20 रन बना कर देंगे और साथ ही में जो है 1 विकेट आपको निकाल कर देने वाले हैं, क्योंकि ये जो है दोस्तों 3 ओवर जरूर डालेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर और अपनी टीम में आपको बता देता हूँ दोस्तों किस तरीके से हमारी टीम हमने बनाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलेशा हेली को हमने रखा है, और साथ ही में जो है दोस्तों बैट मुनी को, इलाइशा पेरी, शबिका गजनबी, हेली मैथ्यूज,
हेनरी को भी यहाँ पर जो है दोस्तों हमने रखा है, जॉनसन को यहाँ पर रखा है और कैप्टन भी बनाया, साथ ही में वाइस कैप्टन मेगन स्कट, एली फ्लेचर को भी यहाँ पर रखा है, केग रात को यहाँ पर रखा है और दोस्तों साथ ही में रामचरक, ये हमारी एक टीम है। दूसरी टीम आप जो है दोस्तों देख सकते हो, तो इस तरीके की आपको जो है टीम बना सकते हो। और साथ ही में जो है दोस्तों अगर आपने वीडियो पूरी देख लिया तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी जो है दोस्तों लाइक कर दीजिए, सपोर्ट दिखाइए। और कुछ अगर मिस्टेक्स यहाँ पर हुई होंगी तो आप जो है मुझे कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है दोस्तों कवर कर लेंगे। मिलते इसके नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक और पैसा कमाओ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और दोस्तों यहाँ पर जो है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।